बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 119, देन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना होगा? ऐसा तो बताओ, पहले ट्राई करो कैसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कैसे आया? आई एम जस्ट ट्राइंग। नो नो, जस्ट ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। 11 तो हमें तो क्यूब फाइंड करना है ना। यस, तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तीन क्वेश्चन ट्राई करो, दो मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होंगे। एक अपने 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे आपके ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ट्राई करो, दो मिनट का टाइम देता हूँ। यस सर, एक मिनट बस। सर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब 18 आएगा पहले का? नहीं नहीं 18 तो नहीं आएगा। 18 नहीं आएगा? नहीं सर, इसमें एक्स वाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स तो एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस 1 बाई एक्स आएगा अंडर रूट 13 फर्स्ट में। नहीं देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? अब जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा उससे आप ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड और 30 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कन्वर्जन, ठीक है? तो फर्स्ट कन्वर्जन मैंने किस में किया, सिंगल डिग्री या फिर 1 डिग्री टू 2 डिग्री। 1 डिग्री से अगर मैं 2 डिग्री के अंदर कन्वर्जन करूँगा, लाइक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर ए गिवन है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा ऑलवेज? यस, ये तो बता सकते हो। ए स्क्वायर माइनस 2। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 की जगह पे नंबर हो तो एनी नंबर हो देन सर क्या? अगर यहाँ पे 1 है जब तो हमने ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे कि ठीक है अगर ये अगर 1 रहेगा, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे कोई और नंबर हो जैसे 2 हो 5 हो समथिंग तो
तो वो नंबर टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू नंबर, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं ये सिंगल डिग्री किसमें है, जो इसमें जो आपका जो टर्म है और उसका जो इन्वर्स है, ये पॉजिटिव, इन एक पॉजिटिव ऑपरेटर से एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। अब हम यही बात कर रहे हैं कि वन डिग्री जब ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और हमें टू डिग्री भी किसी में चाहिए, पॉजिटिव में। अब जो वन डिग्री है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और हम फाइंड कर रहे हैं टू डिग्री इन पॉजिटिव। तो अगर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? यस, ए प्लस स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू, वेरी गुड। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होगा देन वो टू से इंटू हो जाएगा, टू से मल्टी। अब मैंने ये जो टू डिग्री है ये हमेशा पॉजिटिव ही क्यों ली, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ, नहीं इसलिए नहीं करेगा एग्जिस्ट, अगर हम बात करें इसकी तो इसका आप अगर स्क्वायर करते हैं तो जो अपने पास टर्म्स आती है ए और बी वो तो पॉजिटिव में ही आएगी ना, और इंटू प्लस टू, और जब एक्स इंटू वन अपॉन एक्स वो वन हो जाएगा, और अगर अपने माइनस की बात करें तब भी हमारे पास जो टर्म आएगी वो तो पॉजिटिव में ही आएगी ना, बाकी टू इससे हो जाएगा ना, ठीक है। अब तुमने ये देखा, मैंने ये अगर यहाँ पे कोई नंबर आता है, इस केस में मैंने ये कहा कि आपका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस टू और नंबर, एनी नंबर, तो वो क्यों हुआ यहाँ पे? बिकॉज देखो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो वन आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे फोर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फोर ही तो आएगा इट सेल्फ, समझ में आया? जब भी अपनों ने उसको मल्टीप्लाई किया, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस फोर बाय एक्स, तो इसका स्क्वायर अपने करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाय एक्स स्क्वायर। हाँ, फिर यहाँ पे जो आपके पास नंबर आएगा, अगर कोई और कोई भी नंबर है सपोज करो, उस नंबर का यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे जो है ना वन की जगह पे उसका स्क्वायर आएगा नंबर का। अगर नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर है देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, समझ गए ये बात? Yes, sir. और अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे क्या आया, टू इंटू फोर, फोर कौन सा था, वो नंबर, दैट्स राइट। अब अगर मुझे बताओ, यस टेल मी, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ वन डिग्री को, दैट इज इन पॉजिटिव, थ्री डिग्री में, और थ्री डिग्री किसमें, पॉजिटिव में, तो वन डिग्री ली मैंने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, और मैंने उसको चेंज किया थ्री डिग्री में जो थी मेरी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये कितना आएगा, बट क्या आंसर आएगा इसका, ए क्यूब माइनस थ्री ए, थ्री ए, ठीक है। फोर्थ जो है हमारा वो ये है कि अगर मैंने वन डिग्री को जो है मेरा नेगेटिव में, उसे मैंने कन्वर्ट किया थ्री डिग्री, जो मैंने लिया नेगेटिव में, थ्री डिग्री नेगेटिव में हो सकती है? यस यस यस। क्यों? क्योंकि हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा है कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब अगर अपने करते हैं तो यह आएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये इंटू ये थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यही पढ़ा था? Yes, sir. तब तो ये पॉजिटिव था और इसकी वैल्यू थ्री और इसकी वैल्यू ए, तो हमने क्या किया, अगर पॉजिटिव को अपने चेंज करना चाह रहे हैं पॉजिटिव में, तो उस केस के अंदर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये अपना ने लिया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ वन अपॉन माइनस एक्स की, माइनस वन अपॉन एक्स की, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यही आएगा ना? Yes, sir. तो फिर ये टर्म अपने पास नेगेटिव में आ गई। Yes, sir. तो फिर ये मैंने थ्री डिग्री नेगेटिव में लिख दी। तो x माइनस वन अपॉन एक्स अगर सपोज करो a है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब प्लस प्लस थ्री ए, थ्री ए, वेरी गुड।
चार कन्वर्जन हो गए। फिफ्थ जो अपना कन्वर्जन है, अगर मैं 1 डिग्री जो पॉजिटिव है उसे मैं 1 डिग्री नेगेटिव में कन्वर्ट करूं, देन 1 डिग्री पॉजिटिव को 1 डिग्री अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, तो उस केस में क्या रहता है। लाइक जैसे अगर बात करें हम कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, इसे मैंने कन्वर्ट किया x माइनस वन अपॉन एक्स में, तो क्या रहेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4, प्लस नहीं माइनस, माइनस 4, यस रूट ओवर ऑफ माइनस 4, यस। वही अगर अपने इसका वाइस वर्सा करें, देन देन ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ठीक है। अब चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं सेकंड डिग्री को कन्वर्ट करता हूँ फर्स्ट डिग्री में, और सेकंड डिग्री तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, फर्स्ट डिग्री को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तब क्या रहेगा। जैसे सेकंड डिग्री है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसे मैंने कन्वर्ट किया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस टू, ए प्लस टू, ए प्लस टू, ए प्लस टू, यस सर, ठीक है, ए प्लस, और वैसे इसका वाइस वर्सा अगर हम देखें कि 2 डिग्री को, 2 डिग्री तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी हमारी, इसे हमने 1 डिग्री के अंदर चेंज किया, 1 डिग्री हमारी क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तब क्या आएगा, अंडर रूट ए माइनस टू। तो अगर ये कन्वर्जन आपको याद है 7-8 कन्वर्जन, तो आप डेफिनेटली कोई सा भी क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर ये कन्वर्जन आपको पता है, समझ में आया। yes, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इन कन्वर्जन की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को 30 सेकेंड से भी पहले में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था ये, तो अब मुझे 4 के अंदर दिया हुआ है और मुझे क्यूब के अंदर फाइंड करना है। तो अगर आपने जो अभी कंसेप्ट यूज किया, अभी जो आपने क्वेश्चन जो खुद ने ही आपने आंसर दिया कि सर हम इसे क्यूब में स्क्वायर में चेंज कर लेंगे उसके बाद क्यूब देखेंगे, तो अगर आप इसे स्क्वायर में चेंज करते हो तो क्यूब में कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। तो मुझे पहले इसका लॉजिक बताओ, अगर लॉजिक पता चल गया तो आपका आंसर सही है। सर इसमें हम पहले इसका 1 डिग्री निकालेंगे, किस में, प्लस में या माइनस में, माइनस में, वेरी गुड, 1 डिग्री माइनस में निकालेंगे, फिर माइनस में 1 डिग्री से अपने पास 3 डिग्री आ जाएगा, माइनस 1 डिग्री से अपने पास 3 डिग्री आ जाएगा ये कंसेप्ट से, यस सर। तो ये देखो अगर x माइनस वन अपॉन एक्स ए है तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू अपने पास आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम इसका 1 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले 1 डिग्री अंडर रूट ए माइनस टू, दैट इज 3, एक्चुअली अंडर रूट 9 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, वेरी गुड। तो अपने सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, वो क्या आएगा, वो अंडर रूट 121, दैट इज 11, वेरी गुड, अंडर रूट 121 कैसे आएगा, 119 प्लस 2, यस अंडर रूट a प्लस 2 एक्चुअली, तो ये 11 आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस, इसके बाद 1 निकालेंगे। अब इसका 1 प्लस में निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, अपने पास इसका कन्वर्जन नेगेटिव में भी तो है, अगर इससे अपने ये कर सकते हैं ना, अभी बताया मैंने, तो वो डायरेक्ट क्या होगा, 11 माइनस 2 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ में आया, यस सर, नहीं आया, ये अभी लिखा मैंने, देखो यहाँ से स्क्वायर से अगर हम नेगेटिव में लेके जाते हैं, ये वाला स्क्वायर था अपने पास कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 11 था ना अपने पास, yes, तो अपने ने डायरेक्ट माइनस फाइंड कर लिया, वो क्या है 11 माइनस 2 9, दैट इज 3, समझ में आया। अब अपने एक्स माइनस 1 बाय एक्स से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, वो क्या आएगा, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a, 36, वेरी गुड, ए क्यूब प्लस 3a, ए कितना अपना 3, इसका क्यूब कितना आएगा, 27 प्लस 3a, दैट इज 9,
ठीक है yes, sir. समझ में आ गया yes, sir. तो अपना ये 30 सेकंड से भी कम टाइम में हो गया yes, sir. अब ये बताओ कैसे करेंगे फिर सर 119 आएगा इसका वेरी गुड इसका 119 आंसर बिल्कुल सही इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई किया सर पहले स्क्वायर निकाला फिर 4 निकाला बस पहले स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 पहले ए स्क्वायर प्लस 2 और फिर बी स्क्वायर माइनस 2 जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आता है हमें पता है तो इस केस में क्या रहेगा स्क्वायर इसका 9 माइनस 2 प्लस प्लस 2 सॉरी प्लस 11 आ जाएगा अगर ये आ गया तो इसका दोबारा से कर देंगे यस सर 11 स्क्वायर माइनस 2 वेरी गुड अब इसका जब करेंगे तो हमारे पास ये रहेगा इज इक्वल टू 121 माइनस 2 इज इक्वल टू 119 ये कैसे सॉल्व करेंगे फिर सर इसमें भी सेम अप्रोच इसमें वो पहले हम x पॉजिटिव में निकालेंगे 1 डिग्री x 1 डिग्री निकालेंगे पॉजिटिव में ठीक है सर ये आएगा 194 प्लस अंडर रूट 194 प्लस 2 ये हो जाएगा सर 14 फर्स्ट पर निकालेंगे 14 प्लस 2 तो 16 4 आएगा सर 1 डिग्री वेरी गुड x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारा आएगा 194 यस सर 2 14 आ गया हमारा 14 प्लस 2 दैट इज 16 तो हमारा 4 आ गया ठीक है अब ये 52 आंसर हाँ 52 आंसर आ जाएगा तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब आ जाएगा अपने पास 4 क्यूब माइनस 12 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 तो ये 64 माइनस 12 52 आंसर आ जाएगा अब इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे कोई दिक्कत हेलो हेलो नो सर ठीक है तो ये अब अगर